नमस्कार, केपी किचन में आपका स्वागत है। आज हम फलाहारी थाली पीठ बनाने जा रहे हैं। फलाहारी थाली पीठ आप व्रत में खा सकते हैं। इसके लिए हमने सामग्री ली है। 1 किलो आलू को उबाल कर मैश करके रखा है। ये हमने 100 ग्राम मूंगफली के दाने को सेक कर और ग्राइंड करके रखे हैं। 150 ग्राम साबुदाने को 3-4 घंटे भिगो कर और उसमें 3-4 हरी मिर्च को दरदरा कूट कर डाला है। ये 200 ग्राम हमने राजगरा लिया है। 200 ग्राम राजगरे का और लेंगे, ऐसा हमने 400 ग्राम राजगरा लिया है। और 100 ग्राम सिंगाड़े का आटा हम इसमें डालेंगे। आप आटे की क्वांटिटी अपनी आवश्यकता अनुसार कम कर सकते हैं। इसमें इसमें 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं। एक चम्मच काली मिर्ची, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच अच्छे से मिक्स करके आटे जैसा हमको थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए गूंदना है। पानी हमको इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। ये आटा हमारा गूंद चुके हैं। अब हम इसमें पॉलीथीन में तेल लगाकर और इस पर इसको हल्के हाथ से बेलेंगे, इससे जैसे कि अच्छे से बेल जाए। ये देखिए अच्छे से थाली पीठ हमारा बन जाता है। ये बेल चुका है। तवे पर हम तेल लगाएंगे। आप घी भी लगा सकते हैं इसमें। इसको दोनों साइड से अच्छे से सेकेंगे। अब हम इसको बिना पॉलीथीन के भी बना सकते हैं। तवे पर चकले पर घी तेल लगाकर उसको अच्छे से बेल लेंगे। अभी थाली पीठ एक साइड से सिक चुका है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब ये हमारा थाली पीठ दोनों साइड से सिक कर जब तैयार हो जाए तो इसको आप दही से, हरी चटनी से, आलू का रायता, अनार का रायता किसी के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में ये। ये देखिए हमारा थाली पीठ दोनों तरफ से अच्छे से सिक चुका है। अब ये एक और थाली पीठ हमने डाला है, इसको भी उसी प्रकार से सेक लेंगे। इस प्रकार हम सभी थाली पीठ बना लेंगे। और देखिए ये हमारे थाली पीठ तैयार हो। इसके पहले मैंने फरियाली पेटिस बनाया था, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, आप जरूर देखिए। और यदि मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।